हादसा, यात्रियों से भरी बस का ब्रेक हुआ फेल। मंडा खाल पौबो मार्ग बस पर बस का ब्रेक फेल हुआ और ब्रेक फेल होने पर ड्राइवर ने किसी तरह से बस रोकी। बस में करीब 34 यात्री सवार थे। यात्रियों ने परिवहन विभाग पर आरोप लगाए हैं। सड़कों पर दौड़ रही हैं खटारा बसें, यात्रियों की तरफ से कहा गया। तो पौड़ी जिले में बस ड्राइवर की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल देहरादून से पौड़ी जिले के बीरो खाल क्षेत्र में जा रही यात्रियों से भरी बस उत्तराखंड परिवहन निगम की बस का अचानक मांडा खाल पाबो मार्ग पर ब्रेक फेल हो गया। बस में करीब 34 यात्री सवार थे और ब्रेक फेल होने पर बस ड्राइवर ने सूझबूझ से यात्रियों की जान बचा ली और बस को जैसे तैसे किनारे पर जाकर रोक दिया, जिससे यात्रियों ने राहत की सांस ली। इस हादसे के बाद स्थानीय लोगों का आरोप है कि परिवहन निगम की कई खटारा बस सड़कों पर दौड़ रही हैं, जिससे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ रहा है। वहीं पौड़ी के डीएम ने परिवहन निगम को निर्देश दिए कि बसों को यात्रा रूट पर भेजने से पहले तकनीकी खामी जांच लें। इस संबंध में यूटीसी को भी और आरटीओ को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जितनी भी बसेज पौड़ी जनपद में अप्लाई कर रही हैं या ऑपरेशनल है, उन बसेस की ग्राउंड पे जो हेल्थ है वो भी देख ली जाए कि उनको रिपेयर और उसकी ज़रूरत है या नहीं, और यदि उनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके हैं या गाड़ी चलने लायक कंडीशन में नहीं, तो तत्काल उन गाड़ियों के तो वो वाहन स्वामियों के विरुद्ध जो आवश्यक कार्रवाई की जानी है उसके लिए मेरे द्वारा निर्देशित। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता कुलदीप बिष्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप, फिलहाल हादसे की वजह क्या कुछ बताई जा रही है और जिस बस में यात्री सवार थे, क्या वाकई में पूरी तरह से खटारा बस थी और यहां पर यात्रियों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में एक पत्थर हुआ था जिससे कई लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उसके बावजूद उत्तराखंड परिवहन निगम की जो ये बस है इनकी स्थिति काफी दयनीय बनी हुई है। जी, हादसा होते होते टल गया। लगभग इस पे 34 सवार बताए जा रहे थे और ये मांडाखाल पावो देहरादून से मांडाखाल पावो की ऊँडी निकल रही थी कि अचानक से जो बस है वो अपने नियंत्रित खो देती है और उसके ब्रेक फेल हो जाते हैं, जिसके बाद जो ड्राइवर की सूझबूझ है उसके बाद ड्राइवर ने जस्ट जैसे तैसे करके बस को किनारे लगाया और जो 34 लोग थे उनकी जान। इससे साफ जाहिर होता है कि जो परिवहन निगम की जो बसें सड़कों पर दौड़ रही है वो कितना खतरा लेके दौड़ रही है और लोगों की जान जोखिम में डालकर ये सड़क पर छोटी हुई दिखाई दे रही है। ठीक है कुलदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। और हरिद्वार के कांग्रेस जिला प्रभारी प्रकाश जोशी ने रुड़की में कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के संगठनात्मक चुनाव को लेकर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर तक बूथ, ब्लॉक और महानगर की कमेटियों के चुनाव हों और इस दौरान प्रकाश जोशी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के समय में भ्रष्टाचार बढ़ा है और महिलाओं